नमस्कार दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल एंजेलरी की यहाँ पर मैं एक और वीडियो आप सभी लोगों के लेकर आ चुका हूँ। और इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। ये वीडियो जो है ग्रुप सी के कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रुप सी वाटर कैरियर के जितने भी कैंडिडेट हैं, वो लोग इस वीडियो को पूरी तरह से ध्यान से देखें। उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। जैसा कि गाइस आप सभी लोगों को मालूम होगा कि जो आरपीएफ कांस्टेबल एंजेलरी के ग्रुप सी के जो एडमिट कार्ड हैं, वो जारी हो चुके हैं। और यहाँ पर जितने भी वाटर कैरियर के कैंडिडेट हैं, उनका जो है ट्रेड टेस्ट और इन्हीं के साथ साथ कॉबलर, वाशरमैन और जो भी जितने भी ट्रेड हैं, उन सबका भी ट्रेड टेस्ट होने ही वाला है। बस एक दो दिनों बाद स्टार्ट होने वाला है, बट अभी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है कि कब से स्टार्ट हो रहे हैं, ये नहीं पता है। लेकिन जो भी कैंडिडेट हैं, उनके हिसाब से पता चल रहा है कि जिनका पहले है वहीं से स्टार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ जो ट्रेड टेस्ट है उसमें क्या क्या करवाए जाने की पूरी पूरी आप लोगों की संभावना है। जैसा कि अभी जो ट्रेड टेस्ट करवाए जा चुके हैं, चाहे वो आपके ग्रुप सी को छोड़ के जितने भी ग्रुप हैं, ग्रुप बी, ग्रुप एफ, ग्रुप डी, यहाँ पर जितने भी ट्रेड टेस्ट इसमें करवाए गए हैं वाटर कैरियर के, उनमें क्या चीज़ें ऐसी करवाई गई हैं जो कि आप लोगों के साथ भी वहाँ पर करवाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर उन सभी के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ऐसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि आप लोगों से वहाँ पर बनवाई जा सकती हैं, चाहे वो कुछ भी हो, कोई किसी भी तरह का खाना हो, वहाँ पर बनवाया जा सकता है। यहाँ पर जैसा कि नोटिफिकेशन में मेंशन था, नोटिफिकेशन में तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही कम चीज़ें मेंशन थी, लेकिन जो आपका वहाँ पर ट्रेड टेस्ट में करवाया जा रहा है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वैरायटी की चीज़ें वहाँ पर बनवाई जा रही हैं लोगों से। और काफ़ी बच्चे इसी में फेल हो जा रहे हैं, क्योंकि सब नोटिफिकेशन में जैसा कि दिया था उससे अलग ही वहाँ पर काम करवाया जा रहा है। सो गाइस, आप लोग वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, अदरवाइज आप लोगों को प्रॉब्लम होगी आप, क्योंकि वहाँ पर आप अगर ये वीडियो देख के जाते हैं तो आप लोग कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलेगी। आप लोग प्रैक्टिस करोगे घर पर तो आपका ट्रेड टेस्ट जरूर क्वालिफाई होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले सभी लोगों से यहाँ पर कह रहे हैं एक रिक्वेस्ट, जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं वो लोग इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के वीडियोस आप लोगों को डेली की डेली मिलती रहें। जो भी आप लोगों का ट्रेड टेस्ट हो रहा है, वहाँ पर अपडेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं आप तक प्रोवाइड कराता रहूँ और आप लोग उससे अपडेट रहें, ताकि आप लोगों का जो भी ट्रेड टेस्ट है, क्या करवाया जा रहा है, क्या नहीं करवाया जा रहा, उन सब के बारे में आपको जानकारी रहेगी, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती रहेगी। ठीक है, तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करें जो भी न्यू व्यूवर्स हैं, और जितने लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप लोगों को क्या क्या यहाँ पर करवाया जा सकता है। जैसा कि सभी लोगों को मालूम है कि जो ग्रुप सी के जो ट्रेड टेस्ट के सेंटर गए हुए हैं, वो पश्चिम बंगाल में गए हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल में यहाँ पर सभी लोगों के ट्रेड टेस्ट के सेंटर दिए गए हैं। और यहाँ पर जो है हावड़ा में एक दिया गया है सेंटर, और दूसरा जो है आसनसोल में दिया गया। तो यहाँ पर दो जगहों पर वेस्ट बंगाल में यहाँ पर ग्रुप सी के जो है ट्रेड टेस्ट सेंटर दिए गए हैं, दूसरा एक हावड़ा में और दूसरा एक आसनसोल में। तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं उनका ट्रेड टेस्ट होने वाला है, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि ये जो चीज़ें यहाँ पर मैं बता रहा हूँ उन लोगों की, उन सब की एक बार प्रैक्टिस करके जाएं। अगर नहीं कर पा रहे हैं प्रैक्टिस तो कोई बात नहीं, आप लोग उसकी एटलीस्ट रेसिपी जो होती है, रेसिपी को एक बार अच्छी तरीके से पढ़ के जाएँ, देख कर जाएँ, जैसे यूट्यूब पर आप कहीं भी देख लीजिए या फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, तो आप लोग उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाएँ और वहाँ पर आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जितनी चीज़ें हैं अभी तक जितने भी ग्रुप में करवाया गया है उसके बेसिस पर यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसा कि अदर ग्रुप्स में ग्रुप बी, ग्रुप डी, ग्रुप एफ और ग्रुप ए में जो ट्रेड टेस्ट हुए हैं, वहाँ पर अलग अलग चीज़ें सभी करवाई गई हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का नासिक हो या फिर आपका पंजाब का कपूरथला हो, सभी जगह पर कुछ ना कुछ अलग ही करवाया गया है। तो यहाँ पर ग्रुप सी में है, मैं आप लोगों को बताऊँगा ऐसे ट्रेड टेस्ट सेंटर पर जो करवाया जा चुका है उन्हीं में से मिक्सअप करके मैं आप लोगों को यहाँ पर पूरा कुछ एक डिटेल में निचोड़ जो है आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। यानी उसमें से आप लोगों को कुछ ना कुछ आप लोगों को ज़रूर करवाया जाएगा, आप लोग उसकी तैयारी करके जाएँ। कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं है, अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे तो आराम से हो जाएगा। बस उनके सामने आप डिमोटिवेट ना होइए और अपना कॉन्फिडेंस मत लूज कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने एक लिस्ट बना के आप सभी लोगों को रखी हुई है स्पाइसेस के नेम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि अभी सभी लोगों को मालूम हुआ है कि जो कपूरथला में हो रहे हैं पंजाब के, वहाँ पर जो है स्पाइसेस के नेम यानी मसालों के नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वो लोग यहीं से डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं बच्चों को, सबसे पहले यहीं पर उनको पूछा जा रहा है कि एक लाइन होगी वहाँ पर आप लोगों के लिए मसाले टेबल पर रखे हुए होंगे और उनमें आप लोगों से पूछेंगे कि यहाँ पर कौन सा मसाला है, ये कौन सा मसाला है, और उसमें आप लोगों को करीब करीब नहीं 7 से 8 टाइप के आपको मसाले पूछे जाएंगे, और उसमें से एक का भी अगर आप गलत जवाब देते हो तो आप लोगों को वहाँ से बाहर कर दिया जाता है। तो ये आप इतना सोच लीजिए
और करीब करीब नहीं तो स्टार्टिंग में तो बताया जा रहा है 70-80 टाइप के मसाले रखे जाते थे, लेकिन अभी जो न्यूज आ रही थी कपूरथला की, वहाँ पर जो 40 से 50 मसाले कुछ थे, ठीक है, तो ऐसे कुछ यहाँ पर करवाया जा रहा था। लेकिन जो ग्रुप सी है, हो सकता है यहाँ पर कुछ अलग करवाया जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस आई विल टेलिंग यू कि यहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा करवाए जाने की संभावना है, यहाँ पर भी मसाले ही पहले पूछेंगे, क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मसाले हो गए या फिर हो गए आपकी दाल, दालों के नाम आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, आटे जो होते हैं कितने प्रकार के आटे होते हैं उनको आपको पूछ सकते हैं, टाइप टाइप के करीब यहाँ पर मैं आप लोगों को अभी एक वीडियो और प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें कि आप लोगों को हर तरह के मसाले वो जो आटे होते हैं आटे आप लोगों को उसमें रख के कैसे कैसे उनको पहचानना है हर टाइप के मसाले को, वो भी बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है। और दूसरा ये है कि आप लोगों को ये काम दिया जा सकता है आटा नीडिंग का, यानी कि आटा गूंथने का काम दिया जा सकता है, और इसमें कितना टाइम दिया जाएगा वो भी आप लोगों को बताऊं तो आटा नीडिंग में यानी कि आटा गूंथने में आप लोगों को महज 1 मिनट दिया जाता है। 1 मिनट के टाइम में आप लोगों को आटा गूंथना होता है, और जो रोटी होती है ये आपसे बनवाई जा सकती हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के उसमें नोटिफिकेशन में मेंशन है, ठीक है, लेकिन ये जो है पल्सेस के नेम या फिर आपको मसालों के नाम हो गए ये नहीं मेंशन है, ये आपको अलग तरह से वहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो रोटी है, रोटी में चपाती हो गई या फिर फुल्का हो गई, तो आप लोगों को इनके टाइप का भी देख लेना है। जो चपाती होती है वो कुछ अलग होती है, फुल्का जो होती है वो एकदम पतली सी होती है और काफ़ी ज़्यादा फूली हुई रोटी रहती है। अच्छी तरीके से रोटी को फुलाना है आप लोगों को अगर फुल्का बोला जाता है, हालांकि आपको नॉर्मल रोटी भी अच्छी तरीके से फुलाना है वरना वो लोग बाहर कर देंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो करवाए जाने की पूरी संभावना है, राइस तो बनवाएंगे ही, ठीक है, राइस यानी कि चावल, और दाल जो है ये देख लीजिए जो दाल है दाल भी बनवा सकते हैं। दाल कौन सी है वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सी दाल वो देते हैं। तूर की दाल जैसा कि अभी मालूम है आप लोगों को, तूर की दाल है ये ज़्यादातर अभी ज़्यादातर ग्रुप्स में जो भी बनवाए गए हैं वहाँ पर तूर की दाल को ही बनवाया गया है। हो सकता है कुछ अलग दाल भी आप लोगों को मिल जाए वहाँ पर बनाने के लिए। तो आप ये सभी लोगों को मैं बताऊँगा कि यहाँ पर जो ये जो है इनके स्पाइसेस नेम हो गए या फिर जैसे हो गया दाल हो गया, और अभी आगे आप लोगों को बताता हूँ जो भी कठिन चीज़ें हैं, जो भी हार्ड चीज़ें हैं, जैसे कि ये हो गया पनीर हो गया अंडा करी हो गया, ठीक है, चिकन या फिर बनाना है तो इनको कैसे कैसे इनको बनाना है इनकी रेसिपी आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और या फिर घर पे आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो और यहाँ पर आप देख लीजिए अभी आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख के रखा हूँ ऑमलेट जो है, सब्जी है, पनीर है, अंडा करी है, चिकन है, तो ये चीज़ें इतनी सारी हैं जो कि आप लोगों को वहाँ पर करवाई जा सकती हैं। हो सकता है ग्रुप सी में कुछ और भी अलग एक्स्ट्रा भी लेकर आ सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर रहें। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जिन लोगों का पहले दिन है वो लोग कुछ उन कैंडिडेट से कांटेक्ट में रहें जिन लोगों का ट्रेड टेस्ट हो चुका है, जिनका हो चुका है उनसे अपडेट हो जाएं कि क्या चीज़ वहाँ पर करवा रहे हैं, ऐसी चीज़ें जो कि वहाँ पर न्यू हैं उन लोगों को उन चीज़ों को आप लोगों को तैयार कर लेना है, ठीक है। तो अभी जो ऑमलेट है, सब्जी है, पनीर है, अंडा करी है, चिकन है, ये सब नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है, हालांकि ये चिकन है और ऑमलेट है ये वहाँ पर केवल एज अ नॉन वेज वहाँ पर दिया रखा है, ठीक है। तो ये सभी आप लोगों को तैयार कर लेनी है। और यहाँ पर एक चीज़ जो बताना चाहूँगा आप लोगों को, ये जो है नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए यहाँ पर एक कटआउट मैंने ले रखा है और यहाँ पर क्या क्या आप लोगों को दे रखा है ये देखिए, वॉशिंग क्लीन एंड क्लीनिंग ऑफ वेसल्स, नीडिंग ऑफ आटा एंड मेकिंग चपातीज, कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कुकिंग राइस, वेजिटेबल, दाल, सांभर, मीट, फिश, खीर, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर करवाए जाने की संभावना है जो कि आप लोगों को पूरी की पूरी तरह से करवा सकते हैं। जितने भी ग्रुप सी की कैंडिडेट हैं वाटर कैरियर से, इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से तैयार कर लें। उन लोग काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा कि टफ होने वाला है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स हैं ग्रुप सी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, आई मीन क्वांटिटी में है, काफ़ी कैंडिडेट्स को पास हुए हैं, किया गया है, और वहाँ पर आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा हार्ड चांसेस है कि क्वालिफाई करें। हालांकि अभी तक जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊँ जो भी ग्रुप हुए हैं कपूरथला में है पंजाब के, यहाँ पर जो है 500 में से मात्र वहाँ पर 5 या 6 बच्चों को ही लिया जा रहा था। तो अभी देखते हैं कैसा होता है यहाँ हावड़ा या फिर आसनसोल वेस्ट बंगाल का रिजल्ट कैसा आता है, होप करते हैं काफ़ी अच्छा आएगा और जो कैंडिडेट्स हैं वो लोग अपने प्रैक्टिस के ऊपर बेसिस पर ज़रूर क्वालिफाई होंगे, ठीक है। तो गाइस ये थी वीडियो आप लोगों को बताने के लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर करवाए जाने की संभावना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली होगी और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखेंगे और अच्छी तरीके से तैयारी करके जाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
लेकिन गाइस उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी ग्रुप सी वाटर कैरियर के कैंडिडेट हैं उन लोगों को यहाँ पर जो मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है आप लोग यहाँ पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, और आप जब भी लोग हैं जितने भी लोग हैं वो लोग अगर जो जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप के साथ में तो वो लोग उस ग्रुप के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी कैंडिडेट हैं जिनके साथ में अपना डिस्कस कर सकते हैं जो भी डेली बेसिस पर ट्रेड टेस्ट में करवाया जा रहा है, ठीक है। तो ये मेरा नंबर आप लिख लीजिए 7618 9672 63, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर दीजिए मुझे। सिंपली आप लोग को मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। ये लोग आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए क्योंकि मैं जब नंबर देता हूँ तो आप लोगों के भर भर के कॉल आने लगते हैं, उसे डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप लोग केवल मैसेज करें, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये है 7618 9672 63, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और आप इस पर मैसेज कीजिए। ये लिख लीजिएगा कि ऐड मी टू ग्रुप, ये बस करके भेज दीजिएगा, मैं ऐड कर दूंगा आप सभी लोगों को जितने भी यहाँ पे वेस्ट बंगाल के असनसोल और हावड़ा में ट्रेड टेस्ट होने वाले हैं उन सभी कैंडिडेट्स को, ठीक है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।